नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यूट्यूब फिल्टर्स क्या होते हैं और यूट्यूब फिल्टर्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं और लोग जो हैं वो यूट्यूब फिल्टर्स का कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही तीन चीजें जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको YouTube ओपन करना है और आपको कोई भी जो टर्म है वो सर्च करनी है। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ टेक्निकल वॉइस और मैं एंटर मारता हूँ तो आप जो रिजल्ट्स देखेंगे वो टेक्निकल वॉइस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सारे के सारे या फिर जो है जो पॉपुलर सेक्शन होता है वो सारा का सारा सर्च होके आ जाता है। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ सबसे पहले कि फिल्टर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फिल्टर, तो यहाँ मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ सर्च फिल्टर को। तो दोस्तों फिल्टर का मतलब ये है कि आप कोई भी जो आपकी सर्च टर्म है यानी कि जो आप सर्च करना चाहते हैं चाहे ब्लॉगिंग से रिलेटेड चाहे मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड तो वो किस किस तरह से फिल्टर हो सके। मतलब कि यानी कि आपने जब भी सर्च करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे वीडियोस लोड हो जाते हैं। कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो काम के नहीं होते हैं, कुछ होते हैं कि बहुत पुराने वीडियोस होते हैं। सपोज करो कि आपने मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड चीजें सर्च मारी तो उसके इसमें आप क्या देखते हैं कि वहां पर 10 साल पुराना वीडियो, 5 साल पुराना वीडियो, 6 साल पुराना वीडियो या फिर 2 साल पुराना वीडियो भी होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो दिस ईयर पुराना होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दिस ईयर पे क्लिक करेंगे तो वो जो है अभी का वीडियो इस साल का निकाल लाएगा, दिस मंथ करेंगे तो दिस मंथ का निकाल लाएगा, दिस वीक करेंगे तो दिस वीक का निकाल लाएगा, और अगर टुडे का करेंगे तो आज जितने वीडियो मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड पब्लिश हुए होंगे और जो पॉपुलर होंगे आज की आज तो वो सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स होते हैं जिसमें कि आ रहा है फिल्टर में अपलोड डेट, टाइप वाइज, ड्यूरेशन वाइज, मतलब इवन यहाँ तक कि यहाँ तक कर रखा है यूट्यूब ने कि यहाँ पर लेस देन 4 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस भी आप देख सकते हैं। फीचर वाइज भी आप देख सकते हैं कि 4K वीडियो चाहिए आपको, HD चाहिए, सबटाइटल वाला चाहिए, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाला चाहिए, तो इस तरह के हैं। और आप उन वीडियोज को शॉर्ट भी कर सकते हैं। किस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं, रिलेवेंस टाइप में, अपलोड डेट में, व्यू काउंट और रेटिंग में। तो दोस्तों इस तरह के जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं, तो इसी को फिल्टर कहते हैं कि आप जो है अपने मन मुताबिक जो कंटेंट है वो सर्च करके और फिल्टर कर सकते हैं उसे जैसा चाहें वैसा। तो दोस्तों ये तो हो गई फिल्टर की बात। अब बात करते हैं कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया बिल्कुल सिंपल है यूज करने का जो तरीका है। आपको जो भी सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी टेक्निकल वॉइस सर्च किया था तो टेक्निकल वॉइस से रिलेटेड जो है वो वीडियो और चैनल जो है वो सामने आ गया था, लेकिन सपोज करो कि मुझे सिर्फ वीडियो देखने हैं, चैनल नहीं देखना, तो मैंने वीडियो पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर अब जो सर्च आ गया है वो वीडियो से रिलेटेड सर्च आ गया है, बाकी चीजें जो है वो हट गई हैं। अब दोस्तों मैं अगर इसको हटाता हूं और मैं क्लिक करता हूं शॉर्ट वीडियोस पे तो क्या होगा कि शॉर्ट वीडियोस जो है टेक्निकल वॉइस के नाम से जो पॉपुलर होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे, जैसे कुछ बीपीओ से रिलेटेड ये आ रहे हैं सर्च। मैं यहाँ पर दोस्तों बात करता हूँ अगर लॉन्ग वीडियोस की, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वापस इसे हटाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ लॉन्ग वीडियोस पे। तो जैसे ही मैं लॉन्ग वीडियोस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ लॉन्ग वीडियोस जो है जो पॉपुलर है वो जो वीडियो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट रिलेवेंस डेट के हिसाब से करते हैं। अब व्यू काउंट के हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो क्या होगा, व्यू काउंट के हिसाब से वो टॉप पे ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो वीडियो के काउंट है वो घटते चले जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या है कि अगर आप ऑप्शंस जो भी चाहते हैं वो वैसा सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको मेक मनी ऑनलाइन पे एक बार सर्च करके बताता हूं, मेक मनी ऑनलाइन ये मैंने किया। अब लेकिन मुझे फिल्टर चाहिए कि ये जो 2 महीने पुराना, 1 वीक पुराना, वैसे तो ये आ रहे हैं सारे के सारे, ये देखो 20 घंटे पहले भी है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर वन डे कर देता हूँ, सपोज करो कि आज कौन कौन से वीडियो जो है पब्लिश हुए हैं, तो आज जो देखो 20 घंटे 22 घंटे में जो भी वीडियो पब्लिश हुए हैं वो सारे के सारे आ गए मनी मेकिंग वाले। अब इनमें भी अगर मैं मुझे चाहिए कि ये तो मैंने वीडियो पब्लिश कर लिया है, अब मुझे चाहिए कि नहीं इनमें व्यू काउंट सबसे ज़्यादा किसके हैं, तो ये देखो व्यू काउंट इस के सबसे ज्यादा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो फिल्टर क्राइटेरिया है कि आप व्यू काउंट के हिसाब से देखते हैं, तो जनरली दोस्तों जो नए चैनल्स होते हैं या फिर मैं आपको बोलूं कि जो नया नया अपलोड हुआ है वो कंटेंट अच्छा हो सकता है लेकिन उसके व्यू काउंट जरूरी नहीं है बढ़े हुए हों। तो बहुत सारे लोगों का ये मिथ है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जिसके व्यू काउंट सबसे ज्यादा है यानी कि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। होता क्या है कि कंटेंट जो है बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत सारे मैंने क्रिएटर्स ऐसे देखे हैं जिनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है लेकिन क्या उनके चैनल पे या उनके यूट्यूब वीडियोस पे व्यू बहुत कम है, इट डजंट मीन कि उनका जो चैनल है वो ग्रो नहीं हो रहा है या उनका चैनल ग्रो हो रहा है तो उनके व्यूज नहीं आ रहे। कंटेंट अच्छा होना और उस पर व्यूज आना ये दोनों डिफरेंट वो हैं।
कि व्यूज हो सकता है किसी चैनल पे किसी तरह से वायरल हो गया और उस पे वीडियोस पे व्यूज आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिसके वीडियोस पे व्यू कम है उसका कंटेंट अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों लोग क्या है कि ज्यादातर आजकल जो फिल्टर्स यूज करते हैं, अब जो लोग यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं भी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल इसलिए यूज करने लग गए हैं, यहाँ पर वो फिल्टर लगा के ये चेक कर लेते हैं कि जैसे चैनल के नाम ना आए, प्लेलिस्ट ना आए, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं कि सिंपल वीडियोज पे जो है वो सेलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं कि रिलेवेंसी के हिसाब से सर्च कर लेते हैं या फिर अपलोड के हिसाब से, एक साल के हिसाब से सर्च कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे जो चीजें हैं वो एक साथ सामने निकल के आ जाती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।